हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू आरंभ बैच। क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। एंड आज हम लोग वापस से हमारा लेक्चर शूट करने वाले हैं व्हाइट बोर्ड पर। जैसा मैंने अपने पिछले लेक्चर में आप सभी लोगों को बताया था कि अब हम लोग जो भी शूट करेंगे, जो भी कंटेंट बनाएंगे, जो भी चैप्टर्स बनाएंगे, वो व्हाइट बोर्ड पर ही बनाएंगे। मजा तुम लोगों को उसी पर आ रहा है, बिकॉज ऑफ योर फीडबैक्स कर रहा हूं मैं ये। एंड उसके आगे की बात, जो प्रैक्टिसिंग होगी या कुछ ऐसा टॉपिक जो बिल्कुल थ्योरेटिकल होगा जिसमें सिर्फ नोट्स होंगे, तो वो मैं डिजी बोर्ड पर पढ़ाऊंगा। तो गाइज, जहां तक आपको याद हो तो हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स नाम का चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग ट्रेंड्स पढ़ रहे थे और हमने एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस का ट्रेंड पढ़ लिया था। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ में सेकेंड ट्रेंड डिस्कस करूंगा, दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एन्थैल्पी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर में पढ़ना आयोनाइजेशन एन्थैल्पी के बारे में। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय आयोनाइजेशन एन्थैल्पी? देखिए, जब आपके पास में कोई भी एटम अपने गैशियस फॉर्म में होता है, जब कभी भी आपके पास में कोई भी एटम अपने गैशियस फॉर्म में होता है, तब आप उस एटम को कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, जिसे लेने के बाद, वो एनर्जी को लेने के बाद एटम अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे, दैट गिवन एनर्जी इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एन्थैल्पी। तो आयोनाइजेशन एन्थैल्पी को डिफाइन कैसे करेंगे? इसको डिफाइन करेंगे, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू द वन मोल ऑफ एटम present in gaseous state so that they lose their valence shell electron. So that energy is called as ionization enthalpy. मेरे प्यारे बच्चों, देखो यहां पर मैंने वन मोल एटम का इस्तेमाल किया है। सर, वन मोल का इस्तेमाल क्यों किया? बेटा, वन मोल एक बड़ा नंबर है, इसके अंदर मिनिमम इतने एटम्स होते हैं जिनको मैं ऑब्जर्व कर सकूं। अगर मैं एक एटम लेने जाऊंगा तो आपको पता है एक एटम तो दिखाई नहीं देता है, इसलिए हमेशा हम लोग मोल की बात करेंगे। अच्छा, आयोनाइजेशन एन्थैल्पी की जब कभी भी आप लोग यूनिट लिखने जाएंगे तो आप उसकी यूनिट किलो जूल्स पर मोल ही लिखेंगे। कभी कभी कहीं कहीं पर इसकी यूनिट आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स भी दिखाई दे सकती है, कोई चिंता वाली बात नहीं, कैलोरीज भी दिखाई दे सकती है, सिंपल जूल्स भी दिखाई देती है, लेकिन हम लोग इसकी यूनिट किलो जूल्स पर मोल लेकर ही चलेंगे। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? अच्छा, आयोनाइजेशन एन्थैल्पी कितने टाइप की होती है? तो आयोनाइजेशन एन्थैल्पी के अपन कुछ यहां पर टाइप डिस्कस करेंगे। देखो, तो इमेजिन करो तुम्हारे पास में एक एटम है जिसका नाम है एक्स। अभी इमेजिन करो इस एक्स नाम के एटम के अंदर फर्स्ट शेल में, यानी के शेल में दो इलेक्ट्रॉन है और एल शेल में लेट से चार इलेक्ट्रॉन है। इस एक्स एटम के अंदर टोटल छह इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसमें के शेल में चार और एल के शेल में दो और एल शेल में चार इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैंने इसको एनर्जी प्रोवाइड करी आयोनाइजेशन एन्थैल्पी वन, मैंने इसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड करी जिसकी वजह से इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब यह बन गया एक्स प्लस वन, यानी अब इसके पास में, अच्छा क्योंकि इसके पास में टोटल छह इलेक्ट्रॉन है तो यहां पर अपन लिखेंगे देयरफॉर इट हैव सिक्स इलेक्ट्रॉन्स एंड सिक्स प्रोटॉन्स। भाई, न्यूक्लियस में छह प्रोटॉन्स भी तो होंगे लाडलू, होंगे कि नहीं होंगे मेरे बकुड़ो? चलो, तो यहां पर अब इसके के शेल में तो दो इलेक्ट्रॉन है पर एल शेल में तीन इलेक्ट्रॉन बचे। भाई, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, ये इसका वैलेंस शेल था, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन बचे पांच लेकिन प्रोटॉन्स अभी भी बचे छह। अब आप यहां पर फील करना कि अब यहां पर पहले छह प्रोटॉन्स छह इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखे थे, यानी पर इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन था,
लेकिन अब यहां पर थोड़ी गड़बड़ हो गई है, अब यहां पर प्रोटॉन ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन कम होगा, दैट मींस यहां पर अब न्यूक्लियस ज्यादा शक्तिशाली हो गया, न्यूक्लियस ज्यादा पावरफुल हो गया। अब न्यूक्लियस अपने बचे हुए 5 इलेक्ट्रॉन को खुद से दूर जाने नहीं देगा, वो बोलेगा ना 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 ना, तू मुझसे दूर मत जा, समझ रहे हो, तो ये इसको जाने नहीं देगा। तो अब आप लोग जब अगली बार इसे कुछ एनर्जी प्रोवाइड करोगे इलेक्ट्रॉन को निकालने की, तो दैट विल बी कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2। अब मैंने इसको फिर एनर्जी प्रोवाइड करी, तो चलो इसने मजबूरी में आके एक इलेक्ट्रॉन और छोड़ दिया। अब इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन बचे, अब टोटल इलेक्ट्रॉन बचे 4, लेकिन प्रोटॉन बचे अभी भी 6। अब ऐसे केस में अगर आप इसे और एनर्जी प्रोवाइड करोगे, अगर अब आप इसे और एनर्जी प्रोवाइड करोगे एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए, तो अब ये 6 प्रोटॉन अपने 4 इलेक्ट्रॉन को खुद से दूर जाने नहीं देंगे। अब क्योंकि प्रोटॉन का नंबर ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन का नंबर कम है, न्यूक्लियस और ज्यादा पावरफुल है, न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा ताकत से, और ज्यादा जिसको होना चाहिए पूरी ताकत लगा के खींचने की कोशिश करेगा। अच्छा, साइज भी छोटा होता जा रहा है इस आयन का, इस एटम के मुकाबले इस आयन का साइज छोटा, इसका साइज इससे छोटा, क्योंकि न्यूक्लियस बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता जा रहा है लगातार, तो साइज भी छोटा होता जा रहा है। तो अब जब आप तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करोगे, के शेल में 2 और एल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे और 6 प्रोटॉन्स बचे, तो धीरे धीरे आपको फील होता जाएगा कि जो तुम लोगों ने आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 प्रोवाइड की थी वो कम थी एज कम्पेयर टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2, और ये कम है एज कम्पेयर टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3। तो हमेशा ध्यान रखना है, जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है इसको बोला जाता है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसको बोला जाता है सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और इसे बोला जाता है थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पीज हमेशा इस ऑर्डर में वेरी करेगी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा छोटी होगी, उससे ज्यादा सेकेंड और उससे ज्यादा थर्ड। चलिए इसको नोट कीजिए सो दैट वी कैन मूव, फिर हम लोग फैक्टर्स की बात करेंगे, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। चलिए कर लिया नोट, कोई दिक्कत कोई परेशानी, चलिए ग्रेट सुपर, आगे बढ़ते हैं। कितना बढ़िया फील आ रहा है ना इस पे पढ़ाने का और इस पे पढ़ने का, डीजी बोर्ड पे वो आनंद नहीं है, हाँ टाइम जरूर बचता है, पर ये ना तुम भी कर सकते हो, स्किप मार दो इसको, आगे बढ़ा दो, तो जो आनंद इसमें है वो उसमें कहाँ, वाह वाह। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी के आगे अपन बात करते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पीज, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। प्यारे बच्चों, सबसे पहला फैक्टर जो अफेक्ट करेगा आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी को, दैट विल बी योर एटॉमिक रेडियस। सबसे पहला फैक्टर अफेक्ट करता है एटॉमिक रेडियस। देखो एटॉमिक रेडियस किन चीजों पर डिपेंड करता है, सबसे पहली बात एटॉमिक रेडियस डिपेंड करता है नंबर ऑफ शेल्स पर, कि एक एटम में नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा। दूसरा ये डिपेंड करता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर, जिसको आप लोग जेड इफेक्टिव भी बोलते हो। क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का, मतलब होता है कि आपका न्यूक्लियस कितनी ताकत से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माइनस अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल पर कितना रिपल्शन मार रहे हैं, फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माइनस फोर्स ऑफ रिपल्शन, इन दोनों के बीच का जो बचता है, बची कुची जो एनर्जी बचती है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। तो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो एटॉमिक साइज घटेगा। एंड तीसरा मेरे लाडले बच्चों इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट, तीसरा इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट, और आप लोग सब जानते हो स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन बाहर के शेल के इलेक्ट्रॉन पर असर डालते हैं। तो अगर नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, अगर नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं तो एटॉमिक रेडियस घटता है, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, सॉरी क्या लिख दिया रे मैंने, तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा, सॉरी यहां पर एटॉमिक रेडियस घटेगा,
और अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ता है। तो यहाँ पर ओवरऑल दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो एटॉमिक रेडियस बढ़ाते हैं, एक ऐसा फैक्टर तो एटॉमिक रेडियस घटाता है। अब अगर मान लो इफ एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है दैट मींस अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स, अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स बाहर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहे होंगे, यानी इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन क्रिएट कर रहे होंगे। यहां पर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पर रिपल्शन बहुत ज्यादा हाई होगा। अब आप बताओ ऐसी कंडीशन में जहां पर एटम के अंदर ही इतना रिपल्शन है कि वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन स्टेबल फील नहीं कर रहा है, तो उसको तो वैसे ही इतना रिपल्शन है कि वो जाने के लिए बैठा है। अब अगर आप उसको बोल दो कि तू थोड़ी सी एनर्जी मुझसे उधार ले ले और चला जा, तो वो तो चला जाएगा। तो ऐसे एटम्स जिसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, मतलब उसको न्यूक्लियस अपनी ओर नहीं खींच पा रहा है, जैसे मान लो तुम्हारा न्यूक्लियस है, ये तुम्हारा पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, ये चौथा शेल, और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन बैठा है। अब ये न्यूक्लियस इसको अपनी ओर ज्यादा ताकत से खींच नहीं पा रहा है, और ये अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स, ये अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स बेचारे को पूरी ताकत से रिपेल कर रहे हैं, इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन वैसे ही इस एटम को छोड़ के जाने वाला है। अब अगर आप इसको थोड़ी सी एनर्जी दे दो तो ये तो उसमें ही चला जाएगा, मतलब यहां पर ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। मतलब एटॉमिक रेडियस बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटती है, मतलब फिर आप जैसे जैसे बड़े एटम की तरफ जाते हो, जैसे जैसे आप एटम में छोटे एटम से बड़े एटम की तरफ जाते हो, इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए आपको कम एनर्जी देनी पड़ती है। तो जितना बड़ा एटॉमिक रेडियस होगा उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही कम होगी। और अगर मान लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इस केस में ऑब्जर्व करी जाए कि अगर एटॉमिक रेडियस छोटा हो गया, मतलब अब क्या हो गया, अब तुम्हारा जो न्यूक्लियस है इस न्यूक्लियस के मान लो सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन बैठा है, तो अब अंदर के शेल के मात्र दो इलेक्ट्रॉन इस पर कितना रिपल्शन क्रिएट कर देंगे, उस रिपल्शन से कई गुना ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन फील करेगा न्यूक्लियस के द्वारा, क्योंकि न्यूक्लियस के बड़ा नजदीक है। इमेजिन करो ना, एक मैथ्स का खड़ूस टीचर तुम्हारा न्यूक्लियस है, एक मैथ्स का खड़ूस टीचर तुम्हारा न्यूक्लियस है, ये पहली बेंच पर दो बच्चे बैठे, फिर ये दूसरी बेंच पर बच्चे बैठे, फिर तीसरी बेंच पर बच्चे बैठे, फिर चौथी बेंच पर बच्चे बैठे। तब एक बात बताओ, ये मैथ्स का खड़ूस टीचर ये फर्स्ट शेल पे यानी फर्स्ट बेंच पे बैठे हुए बच्चों पे पूरी निगाह रखेगा, क्या कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, खाना तो नहीं खा रहे, बम तो नहीं फोड़ रहे हैं। थोड़ी बहुत नजर सेकेंड वालों पर भी होगी क्योंकि इसको दिखते रहेंगे, लेकिन फिर थर्ड वालों पे सिर्फ शक्लें दिखाई देंगी, ये कॉपी में क्या लिख रहे हैं, मैथ्स वाले टीचर को गाली तो नहीं लिख रहे हैं, या किसी अपने बाबू सोना को प्रेम पत्र तो नहीं लिख रहे हैं, ये मैथ्स वाला नहीं देख पाएगा। और पीछे वाले की तो और हालत खराब हो सकता है, अपने टेबल पर रख के मोबाइल चलाएं, हमें नहीं पता। तो मैथ्स वाला टीचर तुम्हारा न्यूक्लियस है, अगर पहले शेल, दूसरे शेल और तीसरे शेल तक इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका अच्छा खासा कंट्रोल होता है। तो ठीक उसी तरह कि जब तुम्हारा एटॉमिक रेडियस छोटा होगा तो न्यूक्लियस के ज्यादा कॉन्टैक्ट में रहेगा वो इलेक्ट्रॉन, और इस वजह से उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। समझ गए बात को प्यारे बच्चों? तो यहां पर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि अगर तुम्हारे नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं तो डेफिनेटली आयोनाइजेशन एंथैल्पी को वो कम करेंगे। अगर तुम्हारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो वो डेफिनेटली तुम्हारे आयोनाइजेशन एंथैल्पी को भी बढ़ा देगा, क्योंकि जितनी ताकत से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन खींचेगा आपको उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उतनी मेहनत लगेगी, उतनी एनर्जी लगेगी। और तुम्हारा स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना बढ़ेगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतनी घटेगी, क्योंकि ये स्क्रीनिंग इफेक्ट वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को लात मार के भगा देगा, बोलेगा तू अंदर आए मत। तो ये वाला फैक्टर तुम लोगों को याद रखना है। तो आई थिंक बड़ा मजा आया, तो हम लोग यहां पर ट्रिक याद कर लेते हैं। पहली ट्रिक, एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी। दूसरी ट्रिक, जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। देन तुम्हारा स्क्रीनिंग इफेक्ट इज अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी। लाड लो मेरे बच्चों,
तुम्हारे नंबर ऑफ शेल्स, एक एटम के नंबर ऑफ शेल्स इज अगेन इनवर्सली या डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक बच्चों, मेरे लाडलो कोई दिक्कत? चलिए सेकेंड फैक्टर जो पढ़ा रहा हूं दैट इज कॉल्ड एज पेनिट्रेशन इफेक्ट। अब सर ये पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, ये तो हम लोग हमारे जीवन में पहली बार पढ़ रहे हैं। आज पढ़ लो क्लास ट्वेल्थ में, इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ने में कभी तकलीफ नहीं आएगी, कभी तकलीफ नहीं आएगी। बट अब पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब होता है अट्रैक्शन। पेनिट्रेशन का बेसिकली मतलब होता है अट्रैक्शन, अट्रैक्शन। पेनिट्रेशन का बेसिक मतलब क्या होता है? अट्रैक्शन। अब देखो हर शेल में, हर शेल में, इन एवरी शेल मेरे लाडलो, तुमको एक तो एस ऑर्बिटल दिखाई देगा, तुमको पी ऑर्बिटल दिखाई देगा, तुमको डी ऑर्बिटल दिखाई देगा और तुमको एफ ऑर्बिटल दिखाई देगा। अब इमेजिन करो एक घर में चार बच्चे पैदा हुए हैं, एक घर है, एक घर में चार बच्चे पैदा हुए, एक बच्चे का नाम है एस, एक का नाम है पी, एक का नाम है डी और एक का नाम है एफ। घर में मम्मी है, पापा है, दादा है, दादी है। इनका जब पहला बेटा हुआ जिसका नाम एस रखा गया, इस एस को इन्होंने कभी स्कूल में नहीं डाला, इस एस को इन्होंने कभी ट्यूशन नहीं भेजा, इस एस को इन्होंने कभी घर से बाहर नहीं भेजा, घर में ही रखा, सारे घर के कामकाज इसने देखे। फिर दूसरा बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने रखा पी, पी को इन्होंने स्कूल में डाला, सुबह 8 बजे स्कूल जाता था, 2 बजे घर, घर के बाद फिर कहीं नहीं जाना। डी ऑर्बिटल को इन्होंने स्कूल भी भेजा और स्कूल के बाद में 2 बजे घर आने के बाद 3 से 8 की कोचिंग भी भेजी, और एफ ऑर्बिटल को पैदा होते इन्होंने बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। अब एक बात बताओ, यहां पर जब घर में कंस्ट्रक्शन का काम होगा, जब घर में रेनोवेशन का काम होगा या जब घर में कोई शादी ब्याह वाला मामला होगा, तब सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कौन शो करेगा? ऑब्वियसली जो घर में हमेशा रहता है, एस ऑर्बिटल। फिर एस के बाद थोड़ा इंटरेस्ट पी ऑर्बिटल शो करेगा क्योंकि वो भी घर में रहता है। डी ऑर्बिटल बोलेगा यार मेरे को तो सुबह स्कूल जाना है, शाम को कोचिंग जाना है, 2-3 घंटे के लिए तो मैं घर आता हूं, मेरे को क्या घंटा फर्क पड़ता है। और एफ बोलेगा अपन तो हॉस्टल में, अपना तो जीवन ही हॉस्टल में कट गया, मम्मी पापा दादी दादा घर से अपने को क्या मतलब, बनाते हो तो बनाए घर, अपन तो वैसे भी बाहर रहता है। यही फंडा तुम्हारे एटम के अंदर भी होता है। बेसिकली जो एस ऑर्बिटल का शेप होता है वो स्फेरिकल होने की वजह से ये एस ऑर्बिटल तुम्हारे न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेर के रखता है, तुम्हारे न्यूक्लियस को वो चारों ओर से घेर के रखता है, तुम्हारे न्यूक्लियस को पूरी तरीके से दबा देता है। मतलब अगर आप बाहर से इस न्यूक्लियस को देखने की कोशिश करोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू सी द न्यूक्लियस प्रॉपरली, आप इस न्यूक्लियस को प्रॉपरली नहीं देख पाओगे। क्यों? जैसे मान लो आपने देखी होगी फुटबॉल, फुटबॉल के अंदर एक ब्लैडर होता है, जैसे तुम्हारा टायर, टायर के अंदर वो टायर ट्यूब नहीं होता, स्कूल साइकिल्स में साइकिल के टायर के अंदर ट्यूब रहता है, तो क्या तुमको टायर के ऊपर से ट्यूब दिखता है? नहीं। ठीक उसी तरह न्यूक्लियस भी गोल होता है और उसके आसपास उसी के शेप का, गोल शेप का एस ऑर्बिटल होता है, तो एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस को पूरा कवर कर लेता है। एस ऑर्बिटल बेसिकली कवर्स द न्यूक्लियस कंप्लीटली, ये न्यूक्लियस को कंप्लीटली कवर कर लेता है। फिर एस के बाद आता है पी ऑर्बिटल। देखो पी ऑर्बिटल कुछ ऐसा दिखाई देता है, एक डंबल यहां दिख रहा है, फिर एक डंबल यहां दिख रहा है, फिर एक डंबल यहां दिख रहा है, फिर एक डंबल यहां दिख रहा है, देखो लाडलो, फिर एक डंबल तुमको यहां से बाहर आता हुआ दिख रहा है और इसके पीछे डंबल तुमको पीछे जाता हुआ दिख रहा है। तो बेसिकली यहां पर पी ऑर्बिटल ने न्यूक्लियस को कवर करा, लेकिन देखो कहीं कहीं से न्यूक्लियस खाली है, देखो ये एरिया खाली है, देखो ये एरिया खाली है, मतलब न्यूक्लियस पे पूरा कंट्रोल नहीं है। फिर इसके पीछे तुमको डी ऑर्बिटल दिखाई देता है यहां पर। अब आप देखो डी ऑर्बिटल न्यूक्लियस से बहुत दूर हो गया, ये डी ऑर्बिटल न्यूक्लियस से बहुत दूर हो गया और ये एफ ऑर्बिटल, ये एफ ऑर्बिटल न्यूक्लियस से बहुत दूर है। अच्छा मैंने डी ऑर्बिटल का डबल डंबल शेप नहीं बनाया है,
ये सिर्फ आपको मैंने शो करने के लिए बताया है, ये सिर्फ मैंने आपको शो करने के लिए बताया। ये मत मान के बैठ जाना कि डी ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप होता है, नहीं वो डबल डंबल होता है, डबल डंबल याद है ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो वैसा। और फिर ये एफ ऑर्बिटल, तो ये बहुत दूर होता है। सो नाउ आप खुद इमेजिन करो कि एस ऑर्बिटल पर न्यूक्लियस का सबसे ज्यादा प्यार होगा, तो एस ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को ये न्यूक्लियस सबसे ज्यादा प्यार करेगा, इसीलिए एस ऑर्बिटल हमेशा सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड रहेगा बाय न्यूक्लियस, हमेशा सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड रहेगा बाय न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस सबसे ज्यादा किसी को अट्रैक्ट करेगा तो वो एस ऑर्बिटल को करेगा, फिर पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को करेगा, फिर डी को करेगा और फिर एफ को करेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर मान लीजिए आप किसी शेल पे, मान लो आप फोर्थ शेल पर हो, आप फोर्थ शेल पर हो तो फोर्थ शेल में आपको 4s दिखेगा, 4p दिखेगा, 4d दिखेगा और 4f दिखेगा। तो इन चारों ऑर्बिटल्स में किसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा चिपके हुए रहेंगे, न्यूक्लियस की तरफ सबसे ज्यादा s ऑर्बिटल रहेगा, फिर उसके बाद p आएगा, फिर उसके बाद d आएगा और फिर उसके बाद में f आएगा। तो ये अट्रैक्शन इस तरीके से होगा। क्या ये बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? अब हमें तो इलेक्ट्रॉन निकालना है, हम तो आयोनाइजेशन इंथेल्पी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को ये पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब समझ में आ गया है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एस ऑर्बिटल सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड, फिर पी ऑर्बिटल, फिर डी ऑर्बिटल और फिर सबसे लास्ट में एफ ऑर्बिटल। सो देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स इफ प्रेजेंट इन ns ऑर्बिटल विल बी रिक्वायरिंग मोर आयोनाइजेशन इंथैल्पी फॉलोड बाय एनपी एनडी एंड एनएफ। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन इंथैल्पी ns ऑर्बिटल को लगेगी, फिर उससे कम एनपी को लगेगी, फिर उससे कम एनडी को लगेगी और फिर सबसे कम एनएफ को लगेगी। तो अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में भी है और पी ऑर्बिटल में भी है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां से निकालोगे? आप बोलोगे सर पी से निकालूंगा, क्योंकि एस के मुकाबले पी ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन हमें कम देना पड़ता है। चलिए तो ये आप इफेक्ट नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। प्लीज नोट डाउन द इफेक्ट प्यारे बच्चों। एक छोटा सा अपडेट, वैसे तो ये अपडेट आप लोगों के लिए नहीं है, अगर आप किसी 8th, 9th और 10th के बच्चे को जानते हो जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है, जो आप लोगों ने शायद मिस कर दिया होगा, 8th, 9th और 10th का बच्चा जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है जेई नीट जैसी एग्जाम्स के लिए, एनटीएसी ओलंपियाड्स के लिए, तो उसके लिए गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि मैंने अनअकैडमी पर एक कैटेगरी पर ज्वाइन किया है और वो कैटेगरी सिर्फ 8th, 9th और 10th के बच्चों के लिए है, अर्ली फाउंडेशंस के लिए। उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उन डिजायरेबल बच्चों के साथ, उन नीडी बच्चों के साथ जिनको उस चीज़ की नीड है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए हो गया, तो मेरा प्यारा लाड़ और उन्हीं के सारे सारे प्यारे प्यारे भकुड़ो, कितना मज़ा आ रहा है मुझे पढ़ाने में, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मुझे अभी तक ऐसा लग रहा था कि क्या जीवन मैंने झंड किया, 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन जो मज़ा इसमें है वो कहीं नहीं। तो अब डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग के लिए होगा। आहा, चलिए तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी के ट्रेंड्स की तरफ चलते हैं, आइए डिस्कस करें ट्रेंड्स। तो गाइस सबसे पहला ट्रेंड, ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम इन अ पीरियडिक टेबल। चलिए तो टॉप टू बॉटम का हम लोग यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, पुर्रम पुर्रम, ठीक है। यहां पर अपन लिखते चलते हैं एलिमेंट्स और यहां पर अपन लिखते चलते हैं उनकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी। यूनिट क्या सिखाई थी गुलजारी लालो? किलो जूल्स पर मोल। अब मैं ग्रुप वन का ट्रेंड सिखाता हूं, उसको लेके सबको फॉलो कर लेंगे। तो जो सबसे ग्रुप मेंबर नंबर वन होता है लिथियम, उसकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। मैं वैल्यूज अपनी किताब से क्रॉस चेक करता चलूंगा ताकि गलत ना लिख पाऊं, अच्छी वैल्यूज लिखेंगे तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। 4520 किलो जूल्स पर मोल। नेक्स्ट आता है आपके सोडियम चाचा,
जिनको कुछ 496 किलो जूल्स पर मोल की एनर्जी देनी पड़ती है। फिर इसके बाद आते हैं तुम्हारे पोटेशियम चाचा, जिनको 419 किलो जूल्स पर मोल की देनी पड़ती है। फिर आते हैं तुम्हारे रुबिडियम चाचा, जिनको 403, क्या मैं सही लिख रहा हूँ, मैं एक बार क्रॉस चेक ज़रूर करूँगा, बिल्कुल 403। और फिर आते हैं तुम्हारे सेजियम चाचा, 373 किलो जूल्स पर मोल। तो आपने क्या ट्रेंड ऑब्जर्व करा, वॉट इज द ट्रेंड विच यू आर ऑब्जर्विंग, दैट सिंपल सा ट्रेंड है दैट ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम, टी टू बी, ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, आयोनाइजेशन इनथैल्पी डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज हो रही है, इसका रीजन क्या लिखोगे लाडलो भाई? बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल के बढ़ने से और अंदर के शेल में इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने से स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, इस वजह से तुम्हारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है और इस वजह से तुम्हारा एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। तो इन सारे रीजंस की वजह से आयोनाइजेशन इंथैल्पी आपको घटती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर मैं यही ट्रेंड लेफ्ट टू राइट ऑब्जर्व करने की कोशिश करूं पीरियोडिक टेबल में, अगर मैं यही ट्रेंड लेफ्ट टू राइट ऑब्जर्व करूं, तो गाइज यहां पर आप लोगों के साथ में कुछ एक्सेप्शनल केसेस आएंगे, तो उसे हमें ठीक से डिस्कस करना होगा। सारा फोकस मेरे पर, बाबू शोना के मैसेज पर कोई ध्यान नहीं देगा, कोई मम्मी क्या घर पे बना रही है नहीं देखेगा, किसी के कुकर की सीटी पर आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि राशि ने रसोड़े में से जो चने थे कुकर में से वो निकाल दिए हैं और खाली कुकर ही गैस पे चढ़ाया तो खुशबू तो आएगी नहीं। तो चलो इधर देखते हैं। तो गाइस जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाओगे तो सबसे ज़्यादा आपको शुरुआत में दिखाई देगी लिथियम की आयनाइजेशन इंथैल्पी 520, लिथियम से ज़्यादा दिखाई देगी आपको बेरेलियम की, दैट इज 899, लेकिन बेरेलियम के बाद में बोरॉन की थोड़ी कम हो जाएगी। बोरॉन की कितनी हो जाती है मैं एग्जैक्ट वैल्यू आपको लिखवाना पसंद करूंगा, दैट इज 801, बिल्कुल 801 हो जाएगी। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आएगा कि क्या सर हमें ये वैल्यूज याद रखनी है? नहीं, आपको ये वैल्यूज बिल्कुल याद नहीं रखनी है, आपको सिर्फ ट्रेंड याद रखना है। क्योंकि मैंने भी वैल्यूज याद नहीं करी तो मुझे कुछ रीजन होगा तभी वैल्यूज मैंने याद नहीं करी है, तो वो वैल्यूज आप बिल्कुल याद नहीं करेंगे। देन अगला आता है आपका कार्बन 1091, तो आप देखो कार्बन की फिर बढ़ गई, देन फिर आपके नाइट्रोजन की और बढ़ जाती है। मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की एक बार क्रॉस चेक करूंगा, 1402, फिर नाइट्रोजन के बाद आप देखेंगे सडनली ऑक्सीजन की कम हो गई, कितनी हो गई 1314, और ऑक्सीजन के बाद फिर फ्लोरीन की बढ़ गई अप्रॉक्सीमेटली 1600 के आसपास कुछ होती है, क्या मैंने सही लिखा है, मैं बस क्रॉस चेक मार लेता हूँ, हाँ 1681 हमने सही लिखी। अब यहाँ पर आपने जो ट्रेंड देखा, एक जनरल ट्रेंड अगर आप ऑब्जर्व करो, अगर आप एक जनरल ट्रेंड ऑब्जर्व करो तो जनरल ट्रेंड क्या दिख रहा है, ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीजेस। ये एक जनरल ट्रेंड है कि जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ रही है, लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है, जब आप बोरॉन से बेरेलियम की तरफ जा रहे हो तो बढ़ने की जगह घट रही है, और जब आप लोग नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हो तब भी बढ़ने की जगह घट रही है। तो यहां पर दो एक्सेप्शनल केसेस आ रहे हैं, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन, लेकिन हर एक्सेप्शन का अगर आपको रीजन मिल रहा है देन यू आर टीचिंग फ्रॉम अ राइट टीचर। लेकिन अगर कोई बोलते कि बेटा एक्सेप्शन है पढ़ लो आगे बढ़ो, तो फिर जीतू भैया सही बोलते हैं कि वो केमिस्ट को साले को चौराहे पर बैठना चाहिए। तो गाइस रीजन समझो, सबसे पहले तो ये देखो कि लेफ्ट से राइट जाने में आयोनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ क्यों रही है, क्यों बढ़ रही है, बिकॉज एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है, लिथियम के मुकाबले फ्लोरीन का साइज छोटा होता है। एटॉमिक रेडियस कम क्यों हो रहा है, क्योंकि डेफिनेटली जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, डेफिनेटली जेड इफेक्टिव बढ़ने के साथ साथ स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो रहा है और नंबर ऑफ शेल कॉन्स्टेंट है। लेकिन बेरेलियम और बोरॉन में ऐसा क्या एक्सेप्शन है, इसका जवाब इनके कॉन्फिग्रेशन में छुपा हुआ है।
बेरिलियम और बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ। बोरॉन का और बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखिए 1s एंड 2s, इसका 2p पूरा खाली रहता है। तो यहाँ पर टेक्निकली दो चीज़ें काम कर रही है। पहला, एक तो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, और मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि अगर किसी एटम का ऑर्बिटल या तो फुल्ली फिल्ड है, या तो फुल्ली फिल्ड है या तो हाफ फिल्ड है, उसकी स्टेबिलिटी कई गुना ज़्यादा होती है। तो टेक्निकली बोरॉन के मुकाबले बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल्ली फिल्ड की कैटेगरी में आ रहा है, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। और दूसरा, पेनिट्रेशन इफेक्ट। दूसरा क्या? पेनिट्रेशन इफेक्ट। आप देखो यहाँ पर जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों एस ऑर्बिटल में मौजूद हैं, और पेनिट्रेशन इफेक्ट एस ऑर्बिटल पर मैक्सिमम होता है, इसीलिए बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो गया। लेकिन जब आप बोरॉन को चेक करते हो, आप बोरॉन को चेक कीजिए, 1s 2s और 2p के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? पहली बात कि इट इज़ नॉट फुल्ली फिल्ड, इट इज़ नॉट फुल्ली और इट इज़ नॉट हाफ फिल्ड, तो इस वजह से इसका ये इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। दूसरा, यहाँ पर जो पेनिट्रेशन इफेक्ट लग रहा होगा, यानी अट्रैक्शन लग रहा होगा, वो पेनिट्रेशन इफेक्ट 2p पर लग रहा है, विच इज़ डेफिनेटली लेस देन 2s, यानी 2s पर बेरिलियम का जो न्यूक्लियस है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को जितनी ताकत से पकड़ रहा होगा, बोरॉन का न्यूक्लियस इनको तो पकड़ रहा होगा लेकिन इसको नहीं पकड़ रहा होगा, तो इसको निकालना आसान है। इसलिए बेरिलियम के मुकाबले बोरॉन से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, इसलिए यहाँ पर ये लफड़ा आ गया। दूसरा लफड़ा नाइट्रोजन ऑक्सीजन में दिख रहा है, तो वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन का भी सेम लफड़ा है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जब आप बनाएंगे तो इसके 1s में दो इलेक्ट्रॉन, इसके 2s में दो इलेक्ट्रॉन और इसके 2p में एक, दो और तीन इलेक्ट्रॉन। अगेन दिस इज अ हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, दिस इज अ हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। पी ऑर्बिटल का हाफ फिल्ड है और एस ऑर्बिटल का फुल्ली फिल्ड है। हाफ फिल्ड 2p है और फुल्ली फिल्ड 2s है। दैट मीन्स नाइट्रोजन इज वेरी स्टेबल, नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन ऑक्सीजन वाले केस में पी ऑर्बिटल इज नॉट फुल्ली फिल्ड, आप सब जानते ही हो, मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है, बट फिर भी मैं मेरे लाडलो गुलजारी लालो के लिए बना देता हूँ। ये देखो, नाउ इसका 2p इज नॉट फुल्ली और नॉट हाफ फिल्ड, तो ये कम स्टेबल है, इसलिए इसका ये इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए बहुत आसान, बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो लेफ्ट से राइट जाने में आयोनाइजेशन इंथैल्पी डेफिनेटली बढ़ती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस के साथ में बढ़ती है। चलो इसको नोट कर लो, नोट करो भाई, नोट करो जल्दी जल्दी, नोट करो। ठीक है, चलिए। तो गाइस आज का लेक्चर अपन यहीं ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में मैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पढ़ाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन करवाऊंगा जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है और आपको पता होना चाहिए। तो आज ट्रेंड कंप्लीट करते हैं, इसके आगे की बात अगले लेक्चर में करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे लाडले बच्चों।